एक गिलास पानी ले लो। तुम खुद जाके ले लो ना। ये तू करेगी हैं? बोलना, चुप क्यों है? पापा। हाँ बेटा। मुझे जॉब करनी है। हैं? क्यों, क्या हुआ बेटा? तू जॉब क्यों करेगी? क्योंकि पापा मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरा पति मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। अरे कोई तेरे से ऊंची आवाज में बात करके तो देखे, उसकी जान ले लूँ मैं। पापा जब बात आपकी बेटी के ऊपर आई तो आप सामने वाले की जान लेने की बात कर रहे हो, तो फिर मम्मी का क्या जिनसे आप हमेशा ऊंची आवाज में बात करते हो, चिल्लाते रहते हो? मम्मी भी तो किसी की बेटी है ना। पापा जब आप मम्मी से ऊंची आवाज में बात करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज आप उनसे प्यार से बात किया करो। हेलो साक्षी, तू बोल रही थी ना तेरे ऑफिस में वैकेंसी है, तू बात करेगी क्या मेरे लिए? इतनी अचानक से क्या हो गया और तू रो क्यों रही है? नहीं नहीं, हुआ तो कुछ नहीं है, वो बस मेरा घर पे मन नहीं लगता, तो तू मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करा देगी? मुझे जॉब करनी है, बस मुझे लग गया मालूम कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है तो उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, क्योंकि घर के काम से तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है चल यार, बताना जो भी हो। सॉरी। नहीं थैंक यू, इट्स ओके, मैं कर लूंगी मैनेज, कोई बात नहीं। अरे यार तू दे देती ना यार पानी उठा के, मैंने ये थोड़ी ना बोला था जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और जो तू काम करती है वो फालतू काम है। नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे वैसे बहुत घुटन होने लगी इन चार दीवारियों के बीच। जब मैं जॉब करूंगी और खुद पैसे कमाऊंगी तो इस घर के लिए एक मेड रखूंगी और घर का सारा राशन खुद भरूंगी, बिजली का बिल, घर का रेंट सब मैं खुद भरूंगी। तब तुमसे बोलेगी ओए जाके एक गिलास पानी लेकर आओ, और तुम्हें लाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना तब। अरे यार वो तो अब भी बोलेगी मैं लेके आ जाऊंगा पानी, उसके लिए उस दिन का इंतजार क्यों करना है? नहीं उस दिन मांगूंगी जिस दिन मेरे हाथों में ताकत होगी, अभी तो मैं झाड़ू लगाती हूँ पोछा लगाती हूँ ना। यार अंजलि तू बहुत सीरियस कर देगी बात, इतना तो कुछ था भी नहीं। था, तुम्हें महसूस नहीं हो सकता। हेलो ठीक है, मंडे को तेरा इंटरव्यू है और सैलरी 10,000। 40,000? ठीक है डन डन, तू डन कर, फिक्स कर दे इसे। अरे पागल 10,000 बोल रही हूँ, अर्जेंट हायरिंग है। पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ ठीक है, मैं मंडे आती हूँ, मंडे मिलती हूँ आके तेरे से। ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सुन तो ले यार अंजलि, यार आई एम रियली सॉरी यार, यार तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ये सब यार। नहीं इसकी जरूरत है। यार अंजलि अगर तेरे को ये लग रहा है ना कि मैंने तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, यार मैं बाहर जाके मुर्गा बन जाता हूँ। यार जब तक तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सेटिस्फाई ना हो जाए ना तो मेरे को उठाने मत आइयो। कोई फायदा नहीं है ये सब करके। नहीं नहीं यार मैं मुर्गा बनूंगा, मुझे बनना चाहिए भी, मैं बनूंगा, जा रहा हूँ मैं बनने, बस जा रहा हूँ। मम्मी मुझे पता है आप पापा से झूठ बोल रहे हो ना कि कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी है। हैं? तुझे कैसे पता? मुझे पता है आप बहुत ड्रामेटिक हो मम्मी। ये सब ठीक है, अपने पापा को मैं पता चलने देना, प्रॉमिस कर। ठीक है पिंकी प्रॉमिस। चल तू बैठ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुम तो मुर्गा बनने वाले थे ना? हाँ मैंने सोचा कि मैं मुर्गा बनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं मुर्गा क्यों बनूं? जब मैंने दिल से माफी मांग ली है तो मुर्गा बनने की जरूरत ही नहीं है। और फिर मैंने एक चीज और सोची, यार जो ये तेरी 40,000 की नौकरी लग रही है ना, यार तू ये कर ले यार, मुझे ना इससे बहुत हेल्प मिलेगी यार, इतना सारा बर्डन मैं उठा नहीं पा रहा, तो तू इसको डन कर दे और कंफर्म करके पूछ ले।
और हाँ बेबी, यहाँ जरा देख लेना ना, सैलरी थोड़ी बढ़ा दे, 45,000 कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? बोलिए जरूर। Thank you.